वेलकम है आप लोगों का ट्रैवल रिएक्ट्स में। और आज के इस एपिसोड में, मतलब एपिसोड यानी फोर ही मान सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं हिबलैंड्स एंड गेम सीजन 3 का एपिसोड 30 यानी पार्ट 30 में, जो ये वाली वीडियो है। ये मोस्ट व्यूड हिबलैंड्स वीडियो है। इस वीडियो पे 6.2 मिलियन व्यूज है। 2 मिलियन। सो आज हम लोग इसी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। 40 मिनट हम बढ़ा चुके हैं इस वीडियो में, क्योंकि उस पार्ट में हम सुझा देते हैं। सबसे पहले ये लोग आए थे डार्क हिमलैंड्स में, स्मार्टी भाई और ड्रीम भाई, और उसके बाद इन लोगों को फलाना जी बिट्रे कर देते हैं, जो सबको पता था। और उसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग जाएंगे एंटिटी के गैंग में, और उसको एंटिटी के गैंग में जाके उसको एंटिटी को बिट्रे करके एंटिटी और होगा लाला और गुलाला को ट्रैप करेंगे। इन लोगों का प्लान तो ये था, लेकिन होता क्या है अब वो देखते हैं हम लोग। बैम्बू फॉरेस्ट है भी, बैम्बू फॉरेस्ट के बीच हो के आए भी हम लोग। मतलब इतना खोपचे वाला रास्ता था कि भाई साहब क्या ही बोलूंगा तुम लोगों को। भाई कहाँ गया फलाना जी यार, कितना चेंज हो गई है भाई, पीछे से वहां दिख गया यार। ओ माय गॉड, मैं पानी से होते हुए आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो यार, साथ चलो ना, कोई लपेट देगा। भूल गया यहाँ पे डैमेज मिलता है यार, मेरे दिमाग का मरना है भाई। गाइस मुझे गाइस सामने देखो, सामने देखो, मेरे को अभी तक महल तो नहीं दिखा है, बट फोर्ट्रेस है, फोर्ट्रेस है। ओ यस, कितना ज्यादा सुंदर है भाई। ये एंटिटीज वगैरह इतनी अमीर कैसे होती है भाई? व्हाइट व्हाइट कलर का क्यों है? अच्छा ओके, लेंडे नहीं हुआ था। ये एंटिटीज इतनी ज्यादा अमीर कैसे होती है भाई? हम लोग तो भाई इतना अच्छा बना नहीं पाते यार, कभी भी नहीं है। इन लोगों के पास अलग ही बिल्डर्स होते हैं, वो एंटिटीज हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ओ माय गॉड यार भाई, ये फोर्ट्रेस बनाने में इतने साल लगा दिए इन्होंने भाई। जब एंटिटी हमारे सामने आएगी तो हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है, लाइक सर झुकाना है, नहीं झुकाना है, कितनी देर तक झुकाना है, सब कुछ बता दो यार हमको यार। और अगर तो मिस्टर फलाना जी ने हम लोग को यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि हम लोग को एक्चुअली करना क्या है। बट इसने हमें एक चीज बोली कि भाई हम लोगों को ना एंटिटी के सामने ना ही शील्ड लेके जाना है, ना ही तलवार हाथ में निकालनी है। तलवार हाथ में निकालेंगे सजाए मौत मिल जाएगी सीधा ही। तो बस हम लोगों को उस एक चीज का ध्यान देना है, एंड दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है दादा। तो भाई सुनो, अपने एक हाथ को ना लाइक उसको खाली करके चलो, ठीक है ना? अगर आपके हाथ में कुछ भी उसको ट्राइडेंट या फिर कुछ भी दिखा तो दिक्कत हो जाएगी। एंड गाइस एक सेकंड रुको। और अगर तो फलाना जी ने अभी हमें बोला है कि तुम लोगों को यहाँ पे मेन गेट के पास रुकना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट अंदर जा नहीं सकते हैं। तो फलाना जी अभी अंदर जाएगा और उस एंटिटी से बात करेगा, इंटरेक्शन करेगा एंड कुछ भी करेगा, बट देन उसके बाद ये हम लोगों को कन्फर्मेशन देगा कि हम लोग अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। और अगर तो फलाना जी यहाँ पर कन्फर्मेशन लेकर आ चुका है, एंटिटी तैयार है भाई। एंटिटी खुश होगी हमको देखकर, एंटिटी लिटरली एकदम से बावड़ी होगी भाई, बिकॉज एंटिटी ने गाइस हम लोगों की बहुत ज्यादा तारीफें सुनी, बिकॉज उसने हमें ही तो मारने के लिए भेजा था होगा लाला को। और अभी एंटिटी बहुत ज्यादा खुश है कि हम लोग एक्चुअली उसकी गैंग को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, लाइक हमारी गैंग, लाइक हिमलैंड्स गैंग एक्चुअली। So, अभी वो बहुत ज्यादा खुश है। एंड अभी एंटिटी हमारे सामने आने वाली है। मैंने अपना वॉइस यहाँ पर फिर से चैनल चेंज किया, एसजीओ बहुत ज्यादा ध्यान देना। एसजीओ आपके हाथ में अभी तक तलवार है भाई, मौत का फरमान मिल जाएगा, मौत का फरमान मिल जाएगा, ध्यान दो भाई, सीरियस इतना केयरलेस नहीं रहना है। बट मैं तुम लोगों को ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, क्या जगह है यार, देख रहे हो नीचे एकदम बीहड़ इलाका, एंड वहां पर बीच जैसे में उसका महल है भाई, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन भाई मायने इफेक्ट ना लगा, मेरी बात सुना, सुनो, अगर हम लोग यहाँ पर फाइट होती है ना उसके साथ, तो भाई दिक्कत की बात यहाँ पर ये होगी कि हम लोग यहाँ पे फॉल डैमेज मिलने वाला है। नहीं गया गया गया, अरे ऐसे हार्ट अटैक मत दो यार एसजीओ यार। ओके भाई कहाँ पे लेके जा रहा है, हम लोग बिल्कुल मिडल में आ चुके हैं यार, मर्डर तो नहीं करने वाला वो बंदा। गाइस हम लोगों ने एक्चुअली इसको बहुत ज्यादा तंग किया था। ये पूरा कैसल एक ही बंदे का है, माय गॉड कैसे। अरे भाई कितना सुंदर पेड़ है यार। अगर तो फलाना जी हमें यहाँ पे रुकने के लिए बोला है, एंड आई गेस इस पेड़ के पास यहाँ पर कहीं प्रो एंटिटी आने वाली गाइस, फाइनली इतने टाइम से लेके जिसका वेट किया हम लोगों ने, वो हमारे सामने आने वाली है। इफ यू आर एक्साइटेड टू सी डार्क एंटिटी, आ गया फलाना जी, आ गया
चलो 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 वहां से नीचे। ओ भाई लिफ्ट का सिस्टम है क्या? हैज़ियो बंदा गायब हुआ। अरे भाई साहब गायब हो गया, बंदा गायब हो गया सीरियसली। माय गॉड आई हैव नो आईडिया इनको कहां पर लेके जा रहा है यार। भाई दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है, एंटिटी सामने आने वाली है यार। हमें इधर जाना चाहिए, इनका आखिरी पाव खा रहा हूं। ओ माय गॉड भाई मुझे लगता तो नहीं है कि हमें जाना चाहिए, बट लिटरली स्पीकिंग एक बटन दबाना है एंड एंटिटी हमारा वेट कर रही होगी। सुनो डरने की बात ही नहीं भाई, इतना आगे तक आ चुके हैं, यहाँ पे क्यों डरना हम लोग, है ना? प्रेशर प्लेट से दूर रहो। ओके करें स्टार्ट। अगर हम लोगों ने एंटिटी का विश्वास जीता है ना तो होपफुली वो हमें नहीं मारेगा। ओके एजियो तैयार हो? यस मैं तैयार हूँ। वन ओ माय गॉड करो दबाओ। देयर वी गो। अरे आप क्या कर रहे हो? अच्छा मुझे भी दबाना पड़ेगा। अजीब चीज। ओ माय गॉड भाई ये क्या है, कितना अजीब लग रहा है ये। अरे अरे यार ऊपर बस हो गया, कोई बात नहीं। व्हाट द हेल ब्रो। ओ माय गॉड इसका मुंह कितना अजीब है। फलाना जी क्या कर रहे हैं, इसके दांत क्या है ये? ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय। हेलो भाई माल पकड़ाओ जल्दी, मेरे को जल्दी माल खोलो, ऐसे जल्दी ऐसे इसको खोलो, ऐसे इसको खोलो जल्दी माल पकड़ो। ओके ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तू सुनो। ओ माय गॉड क्या हुआ, काम करके ऐसे शायद ये मुटिया घुमा रहे फलाना जी। अरे इसको मारने जा रहे हैं फलाने, वापस आ फलाने। अरे मत जा मत जा, मरेगा ये बंदा। वापस आ, मैं निकल के बाहर, जल्दी आ जाओ आप लोग, वापस आ जल्दी आ जाओ। जल्दी 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 निकलो निकलो, बटन दबाओ बटन दबाओ, निकलो यहाँ से। ड्रीम बॉय कहाँ निकल गया, भाग गया बंदा। अरे मैं बाहर आ गया यार, आप लोग जल्दी बाहर आ जाओ। आगे आगे मैं भी आगे, नीचे को चल नीचे को चल नीचे नीचे नीचे। ओ अरे मैंने आपको बोला था ना भाई, फलाना जी का वशीकरण हुआ है यार। ओ माय गॉड। अरे यार मैं तो गालियां दे रहा था आपको, आप देखो ऑर्डर्स निकले भाई। अब चलो यहाँ से भाई निकलो, अभी मेरे दिमाग में बहुत ही ओपी प्लान चल रहा है। फलाना जी आपके पास आर्मर नहीं है तो आप अभी यहाँ पे लड़ाई कर नहीं सकते हो, एंड जो हमारी पूरी पूरी एंटिटी है ना, ये एंटिटी यहाँ पर पूरी पूरी सतर्क हो चुकी है। मेरे पास एक्स्ट्रा आर्मर है, ये ले लो ये ले लो। आर्मर शॉट इसको लड़ना नहीं है, इसको हमारे लिए बहुत ही ओपी काम करना है। आप बस मेरे साथ आओ, जल्दी आओ नीचे के लिए, यहाँ से जल्दी जल्दी गाइस बीच में आ जाओ। हम लोग पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं, एक जगह ढूंढते जहाँ पर छुप सके, और मेरे को भाई यहाँ पे प्लान डिस्कस करना है फलाना जी के साथ। फलाना जी अभी एक बहुत ही ओपी काम करने वाला है, मत जाना। अरे हम लोग लिटरली बाहर आ चुके हैं, दिस इज नाइस। जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ से बाहर चलते हैं और कहीं पर झाड़ पूर के पास घुस कर वहाँ पर एक प्लान डिस्कस करते हैं। लेट्स गो मैन, यहाँ पर नए वाले वीसी में ले लो भाई, आ जाओ भाई यहाँ पर आ जाओ। हाँ अभी तो ले सकते हैं ना हम लोग अपनी टीम में फलाना जी। ऑलराइट गाइस, तो हमारे यहाँ पर पूरी की पूरी डिस्कशन हो चुकी है और फलाना जी को मैंने अपना ओपी आइडिया समझा दिया यहाँ पर पूरी तरीके से कि इस बंदे को यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करना है। मैं तुम लोग यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं समझाऊंगा नहीं, बट जब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी तुम लोग देखने वाले हो, वो जो हमारा फाइनल ट्रैप होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंसेन होने वाला है, इतना इंसेन कि तुम लोगों ने कभी आज तक देखा नहीं होगा। एंड तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे को क्यों फलाना जी की जरूरत थी उस पर्टिकुलर ट्रैप को बनाने के लिए। गाइस अब याद होगा तुम लोगों को इस सीरीज की शुरुआत हुई थी, चार बंदे अलग अलग थे, सीरीज की एंडिंग हो रही है, चारों बंदे एक साथ उस खतरनाक वाली एंटिटी को साथ मिलकर मारने वाले। सो अब गाइस हम लोग यहाँ से बिछड़ने वाले सारे के सारे बंदे। चलो फलाना जी आपको बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं आना लड़ने के लिए, ठीक है ना? आपका काम सिर्फ एक ही है, जो कि है उस ट्रैप को बनाना, और एक ऐसी जगह ढूंढो जहां पर वो ट्रैप सूटेबल हो। मुझे नहीं पता, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। एंड गाइस सुनो, एसडीओ एंड ड्रीम बॉय आप दोनों मेरे साथ आओ, ठीक है ना? आप दोनों मेरे साथ आओगे एंड हम दोनों जाने वाले अभी ऊपर उस एंटिटी से पंगे लेने के लिए। देखो हम लोग उसको मार नहीं सकते हैं, बट हम लोगों को एक चीज मेक श्योर करनी है कि वो फलाना जी के पास। भाई इस टाइम भाई विजर्ड्स को विजर्ड को हेड्स ऑफ भाई, अकेले दो एंटिटीज को, एक आदमी अकेले दो एंटिटीज को संभाल रहा था, विजर्ड रेड डेविल और हुला लाला को, और ये चार यस मारी पास फलाना जी एसजीओ ड्रीम बॉय सब मिलकर सिर्फ दो एंटिटी को कैप्चर कर पाए। कैप्चर सोचो, चार को दो पकड़ रहे वो, एक को दो को एक आदमी पकड़ रहा, सोचो इतना। हेड्स ऑफ विजर्ड एंड कमेंट्स में सब लोग रिस्पेक्ट विजर्ड लिखना। ना पहुंचे जब वो ट्रैप को बना रहा है, बिकॉज फलाना जी के पास इस वक्त आर्मर नहीं अच्छे वाला, ठीक है ना? एंड आर्मर अच्छा ना होने का मतलब है कि वो उसको लिटरली वन शॉट कर सकती है अभी, वन शॉट। अरे आपने बट वो वाली बात तो बताई नहीं, सीक्रेट हर्ट वाली। ओके गाइस आप लोगों को पता है, मेरे को फलाना जी ने बहुत ही मस्त सीक्रेट बताया। उसने मेरे को बताया कि इस कैसल के अंदर गाइस एक ऐसी जगह जहां पर इस एंटिटी का दिल रखा हुआ है, बेसिकली हर्ट रखा हुआ है। एंड तुम लोगों को पता है गाइस, अगर तुम लोगों के दिल की धड़कन रुक जाएगी तो तुम लोग मर जाओगे, लेकिन अगर इस एंटिटी
ठीक है, उस हर्ट को हम लोग यहाँ पे डैमेज कर देना, फाड़ दे बेसिकली, जो कि एक एंटी क्रिस्टल के तौर पे रखा हुआ है। तो ये जो एंटिटी का इसकी जो पावर्स है ना वो लिटरली खत्म हो जाएगी, एंड ये उसके बाद यहाँ पे ना ही होगा लाला को बुला पाएगा। बेसिकली इसकी जो मेन पावर है सारी सारी खत्म हो जाएगी। स्टिल पावरफुल होगी, यू नो फाइट वगैरह करने के लिए हमको ईजिली पेल सकती है, बट इसकी जो वो सुपर नेचुरल पावर्स है ना वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो भाई मैं तो उसको ढूंढने वाला हूँ अभी। चलो अब आप दोनों के पास एक टास्क है, सुनो मेरे पास। यस एग्जैक्टली, आप सही बोल रहे हैं, फिर इसको मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो गाइस सुनो, मैं तो जा रहा हूँ उसको खोजने के लिए, और तुम लोगों का काम है इस एंटिटी को रोकने का। सुनो, एंटिटी के पास जाए नीचे की नीचे, यार मेरे को तो डर लग रहा है मैन। यार देखो अभी यहाँ तक आए तो अब वो काम तो करना पड़ेगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, एंटिटी अगर हमको मार ए पीछे देखो पीछे वो भाई यार ऐसे डराया फिर। अरे मार उसकी भैंस की, मुझे आ जाऊंगा धूल में। अरे ये उड़ता है यार, जो मैं डरा हूं यार अभी। ऐसे क्या डराया आपने भाई साहब यार? अरे भाई मेरी पड़ गई थी, क्या था वो? मैं मार उसको उसको रगड़ दिया मैंने। मार उसको घेरा इस बंदे को भाई। कहाँ गया? आप हार्ड के जाओ, हम लोग इसको रोक के उड़ के जा रहे हैं। पक्का पक्का आप जाओ, आप जाओ, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है। इसने पूरा का पूरा महल तबाह कर दिया। प्लीज मरना मत, ओके बस एक दिस इज द एंड गेम ब्रो। आप भी अगर मरते तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। यहाँ पे तो भाई फॉल डैमेज है, तो मैं यहाँ पर अभी वाटर बकेट करके जाने वाला हूँ। ऑलरेडी गाइस इन लोगों की आवाज है यहाँ पर जानी स्टार्ट हो चुकी है। ओ भाई, अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई इन लोगों का घमासान युद्ध हो रहा है। देखो गाइस जल्द से जल्द पता क्या करना पड़ेगा, उस हर्ट को ढूंढना पड़ेगा, इस एंटिटी के हर्ट को। एंड आई हैव नो आईडिया फिलहाल को कहां हो सकता है भाई। गाइस ये महल बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है भाई। तबाहियां मचा दी भाई इसने तो यहाँ पे। अब वो हमको कहां मिल सकता है, मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस? पहले एंट्रेंस, अरे यहाँ पर, ओके ये है गाइस वाली जेल। मिस्टर फलाना जी यहाँ पर काम कर रहा है अभी, ठीक है मैं यहाँ पर जाऊंगा नहीं। मिस्टर फलाना जी को मैं अभी यहाँ बिल्कुल भी तंग नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ नीचे, यहाँ से नीचे जाला आराम से। यार इतना बड़ा महल है, मुझे कहाँ ही मिल सकता है? मेरे को लग रहा है भाई ये होगा लाल इनको मार ही ना दे यार, कसम से। बट गाइस एक अच्छी बात है, जो होगा लाल है डार्क हिमलैंड के अंदर थोड़ा कमजोर है, हमारे हिमलैंड के अंदर बहुत खतरनाक था। मैं पता नहीं कहाँ बाहर के गार्डन में जा रहा हूँ, मैं गलत जगह पहुंच गया था भाई। अभी मेरे पर बिजली गिर सकती थी। ये एंड गेम गाइस बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका है यार, सीरियसली मैन। और ये जो बिजली गिराता है ना गाइस, लिटरली स्पीकिंग बेडरॉक तक छेद करता है ये बंदा, इतनी खतरनाक पावर है वाली। ओ माय गॉड, अरे कहां पर ढूंढूं भाई? ये कितना बड़ा महल है यार, हो सकता है वो उसके बैक साइड में हो सकता है इस, ओ माय गॉड, हो सकता है उस इस महल के लाइक कोई बेसमेंट में हो भाई, कहां पे हो सकता है? ढंग से ढूंढना पड़ेगा। ओ माय गॉड भाई ये बहुत ही गंदे वाली फाइट हो रही है इन लोगों के भाई ऊपर। ओ दिख गया, यही है, यही है, पक्का यही है, देखो वहां पे। अरे आई स्वेयर यही है भाई। ओ माय गॉड, रुको आवाज सुनो यहाँ पे एक बारी, कैसे आवाज सुनो? धक धक होने की आवाज सुनाई दे रही है तुम लोगों को यहाँ पे? हाँ। मुझे लिटरली साफ साफ सुनाई दे रही है। सो गाइस यही है हमारा वो, ओके लेकिन मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ। नहीं यार ये सियापे होने जरूरी होते क्या ऊपर? देखो मैं इसके ऊपर यहाँ पे गाइस ब्लॉक भी प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज तो 100% होती ही होती है यार, इतनी सिक्योरिटी तो लोग रखते ही रखते हैं। अब मैं इसको तोड़ूंगा कैसे? कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा भाई, 100% मैं तुम लोगों को बोल सकता हूँ इसको तोड़ने का। एक बार टूट गया गाइस एंटिटी हमारी यहाँ पे कमजोर पड़ जाएगी यार। एंड अब तुम लोग सोच रहे होगे कि एंटिटी ने इतने खुले में क्यों रखा अपने हर्ट को, तो गाइस इसके कैसल को ढूंढना ही इम्पॉसिबल है मेरे भाई। ये बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर है गाइस, इम्पॉसिबल है यहाँ तक पहुंचना किसी का भी। बदसूरत आ गया, वो ऊंचे वाले शॉट लेकर आ गया बंदा। अरे मेरे पास माय गॉड, मैं बेवकूफ यार, मेरे को आयरन लेने चाहिए थे थोड़े बहुत, उससे मेरे पास आयरन नहीं है, मैं बिना शील्ड के लड़ना नहीं जाता हूँ। ओ माय गॉड, अरे मैं तो यहाँ पे कुछ प्लेस ही नहीं कर सकता हूँ, मैं तो भूल ही गया नीचे। ओ माय गॉड, यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, वहां पर शायद से मैं कोई ना कोई चीजें प्लेस कर पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा अभी, यहाँ देख रहे हो बटाई हार्ट में लिटरली स्पीकिंग। ओके ये मेरे को उछाल उछाल के मारने वाला, दूर चलते गए थोड़ा सा लड़ने के लिए, जहां पर मैं एटलीस्ट नीचे वाटर बकेट क्लच तो कर पाऊं। इसकी भैंस की, रुको आ जा तू, आया तू, आ जा तेरी पकड़। ओके थैंक गॉड मैं यहां पर क्लच कर सकता हूँ,
रुको, इस बंदे को नीचे आके मारना पड़ेगा। नीचे ऊपर ऊपर क्या देख रहा है? तेरी पकौड़े रुक रुक तेरी भैंस की, रुक रुक रुक, टैसे करेगा ये भी कूड़ा के फेंक देगा। ये बंदा मर सकता है गाइस, मैं इसको इजीली मार सकता हूँ। अरे भाई साहब कोई नहीं, अब क्लच करेंगे। मैं बिल्कुल भी चाहता नहीं हूँ कि मेरे वेस्ट हो जाए। गाइस इस बंदे के पास बड़े वाली स्वॉर्ड है, बड़े बड़े टूल्स है, हो सकता है मैं इसके साथ उसको यहाँ पे तोड़ सकूँ, हु नोस। पर इसके लिए बैक साइड से हमला करना पड़ेगा, मैं छुप के जाने वाला उसको मारने के लिए। ये बंदा सामने से मुझे लिटरली उड़ा रहा है यार। अरे यार देख लिया तेरे को, यस यस, पेड़ के नीचे, मैं पेड़ के नीचे रहूंगा अब। यहां उछाल 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 बेटे, यहां उछाल, यहाँ उछाल तू मेरे को। रुको मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास यहाँ पे एक प्लान है। आजा 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 आजा, यहाँ तो, यहाँ तो कुछ नहीं कर पाएगा, यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा बंदा। इसकी पावर यहाँ पे पावरलेस है। आ तू पकौड़े, अब मैं तेरे को बता दू, इसको लग नहीं रहा मेरा शॉट, ये बंदा बहुत तेज है। आधा बेटे आधा बेटे आधा बेटे आधा बेटे, ओके 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 ओके, यहाँ पर फटाफट गोल्डन एप्पल खाने वाला भाई। एक यहाँ पर होगा ऊपर, यहाँ पे अजीब काम किया हुआ है, और ये होगा का डुप्लीकेट तेरी पकौड़े। ये एक आधे बंदे बचे गए यहाँ पे, मुझे लगा था सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, बट ये बंदा यहाँ पे जिंदा है। आजा 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 आगे आजा आजा आजा, भाग रहा है ये बंदा भाग रहा है। सीरियसली ये बंदा मर भी सकता है अभी। यस ओ माय गॉड भाई, इसके पास यहाँ पे जॉइंट वाली पिकेक्स भी थी। हो सकता है ये जॉइंट वाली पिकेक्स से यू नो मैं उसको तोड़ पाऊँ। जॉइंट पिकेक्स है एक्चुअली इसके पास। ओके गाइस मैं इसके पास जाने वाला अभी, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओ भाई तेरे आगे मेरे पीछे, जल्दी से मेरे को तोड़ना है उसको भाई साहब। ओ माय गॉड आजा तेरी मैं भाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा मैं एंटिटी के साथ लड़ रहा हूं। ओ माय गॉड भाई इसके पास कितने ज्यादा है भाई, इसके पास कितनी तगड़ी स्ट्रेंथ है भाई। मैं मर सकता हूँ अभी, मैं ऐसे नहीं लड़ सकता हूँ। ओ माय गॉड मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है, मैं अपनी आंखों के सामने देखने वाला अभी गाइस, अपनी आंखों के सामने। आजा आजा तेरी, ओके ओके ओके, साथ चल मेरे, साथ चल मेरे। क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ? ओके मैं तोड़ सकता हूँ इसको, टूटेगा नहीं। गोल्डन एंटी एप्पल खाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लिटरली स्पीकिंग ये भाग रही है। ओ माय गॉड आधा बेटा आधा बेटा आधा बेटा भाई, लेकिन मरती नहीं है मेरे पास कितने तकड़े। निकल 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 निकल, हाफ हेल्थ में हूं मैं, हाफ हेल्थ में हूं मैं। ओ भाई साहब, अरे नहीं 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 नहीं, ये एंटिटी भाई इसका हार्ट मैंने खा लिया गाइस, तब भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है यार। नहीं नहीं नहीं, क्या ही गंदा है भाई। स्मार्टी सुनो फरहान जी मुझे बुला रहे, जल्दी आ जाओ फरहान जी, मुझे कुछ बोलना चाहता है। स्मार्टी भाई जल्दी आ जाओ, फरहान जी को रेडी हो गए। अरे भाई मार दे इसे, मेरे को मार दे इसे ऑलमोस्ट। तैयार है कि नहीं उसका ट्रैप यार, जल्दी बोलो मेरे को। यस उसका तैयार है, तैयार है, तैयार है। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मैं देखा था उसने कहां पर बनाया हुआ है, मैं एंटिटी को लूर करके ला रहा हूं अपने पीछे, मेरे पीछे आ रही है। एसजीओ सीरियसली टॉकिंग, मैंने उसको मारा, मैंने इसको मारा, बट तब भी भाई इसका मैंने वो हार्ट फाड़ा, तब भी भाई इस बंदे के बहुत सारा हेल्थ है यार। मेरा प्लान ये था कि मैं एंटिटी को यहाँ पे घेरूंगा इससे पहले, बट अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं होगा लाला को साथ में घेरता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। अरे फ्रांस जी तैयार रहना, जो हमारा डिसाइड होता है। सुनो होगा लाल को नीचे लेकर आओ, होगा लाल को इस प्रिजन के पास लेकर आओ जल्दी। ऑलरेडी आपकी तरफ आ रहा है वो, ऑटोमेटिकली आपकी तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी टावर अप करता हूँ, देन उसके बाद मैं इनको इस जेल के अंदर लेकर जाता हूँ। फ्लानी जी कहाँ पे है? अरे वहीं पे फ्रांसिस, तैयार है सब कुछ, तैयार है ना? गुड 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 गुड, एंटिटी भी आ रही है, कोई बात नहीं, लेट्स गो भाई। अभी ना इसको फंसाना है इसके अंदर कुछ भी करके। अरे होगा लाला भी आ गया, ये सही हो गया भाई, रुको इसको तोड़ो एक बार। अरे नहीं नहीं
इन दोनों को दोनों बंदूकों को लेके जाना है आपके ऊपर आ रहे हैं जल्दी से बस 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 एज यू तैयार है भाई सब कुछ यहां पे अभी मैं इनके यहां पे रगड़ने वाला सीरियसली मैन ओ माय गॉड ऊपर को तो नहीं आ रहे ना आजा बेटा ऊपर को आओ तुम लोग एक बारी भाई तब बताता हूं मैं तुमको पहल दो उसका वो बहुत ज्यादा वीक है वो लाइटनिंग भी नहीं कर सकता भाई अंदर चल ओके मैं अंदर आ चुका फलाना जी मंदिर आ चुका याद रखना आप ठीक है ना आगे जल्दी बंद करो यस ग्रेट 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 एक बंद हो चुका है देखो ये हमारा ओपी प्लान था सीरियसली टॉकिंग मैन ये बंदे मेरे को नहीं मार पाएंगे भाई नल्ले भाई दोनों को रगड़ूंगा मैं अभी यहाँ पे ओ माय गॉड देख लिया नहीं मरूंगा भाई मैं स्मार्टी आधे से ज्यादा हो गया जल्दी से बाहर अभी सिर्फ दो ही आए हैं छह लेयर यहाँ पर जब कंप्लीट होगी ना और इसी चीज के लिए मुझे इसकी जरूरत थी भाई हमारे इसकी ओ माय गॉड मैं फंस गया यहाँ पे अगर अभी बाहर आ गया तो ये मेरे पीछे मार्टी भाई क्या कर रहे हो यार जल्दी आ जाओ यार नहीं ओके कितने हो चुके तीन हो चुके भाई से तीन बची हुई है मैं सीरियसली टॉकिंग मैं यहाँ पे इनको फंसा दूंगा मैं इनको फंसा के बाहर आऊंगा मैं सिर्फ और सिर्फ इनको फंसा के बाहर आऊंगा आओ तुम लोग सालो तुम्हारी बहस की ऐसी की तैसी गाइस आज हमारा वर्ल्ड फ्री होने वाला है इन दोनों से भाई अभी मैं छड़ेगा नहीं आओ तुम आप पकड़ो आ जाओ कमाल भाई क्यों चांस ले रहे हो जल्दी आ जाओ ओके मैंने यहाँ पर बंद कर दिया अरे भाई नहीं अंदर आ गए मेरे नहीं आ जा ओके स्मार्टी भाई क्या कर रहे हो भाई नहीं मत लड़ो उनसे अब आ जाओ नहीं भाई अभी नहीं आ सकता मैं अभी आधे से ज्यादा हो गया दो लेयर बची हुई ऐसी अभी दो लेयर बची हुई मेरे पास प्लान है मेरे हाथ पे कुछ पॉल्स हैं मेरे पास कुछ प्लान है अभी ठीक है ना अभी थोड़ा बहुत इनको और लूर करना लाइक 20 सेकंड और भाई ज्यादा नहीं कमान 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 हो जाएगा 20 सेकंड और भाई ज्यादा कुछ नहीं 10-20 सेकंड अरे एक लास्ट बच गया गाइस अभी मैं कर दूंगा पक्का कर दूंगा राजा स्पाइडी आया किसी भी कीवर पे नहीं मरूंगा एसजीओ एसजीओ भाई इस बारी मैं कर करूंगा पर बिल्कुल भी फंसना मत नहीं मरूंगा बंद हो गया थोड़ा सा रह गया सर बंद हो गया क्या वो एसजीओ बंद हुआ था क्या गेट अरे दरवाजा बंद हो गया है अरे फाइनली अरे ये क्या कह रहे हैं रिस्पॉन इन अनदर वर्ल्ड व्हाट हेलो आपका आवाज कट रहा है ने मारा मेरे को इसकी बहस किया यार ओ माय गॉड यार ओ पूरे 30 एपिसोड निकाले भाई बिना मरे यार लास्ट पे जाके क्या ही भाई वो पूरा का पूरा गेट बंद हो गया था और मेरी बस पाल बाहर ऑलमोस्ट लाइक 2 सेकंड के बाद लैंड होने वाली थी मैं बच जाता यार 2 सेकंड ओ माय गॉड अब देखते हैं मैं कहां पर रिस्पॉन होने वाला हूं सीजन 4 हम कहे देखेंगे सीजन 4 का तो कुछ एपिसोड हम लोग बनाएंगे तब तक के लिए बाय गाइस थैंक यू गाइस पीस आउट